Assalamu alaikum guys, hope you all are good. Okay, जो आज क्या है कि आज मेरा भाई वापस पाकिस्तान जा रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं इसको ड्रॉप करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए. आपको लेकर चलते हैं वापस साथ, क्योंकि जब आते हुए भी ये था कि मैंने व्लॉग बनाया था कि जब ये आया था, अब जाते हुए थोड़ा सा सेट तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा आएगा. तो बस अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, तो फिर आपको लेकर चलते हैं. सी यू देन. देखें जी, बिल्कुल तैयार है जाने के लिए, बस ये फाइनल टच जाते हुए. चलें जी, हम एयरपोर्ट की पार्किंग में बस पहुंच गए. In 300 meters, turn right onto Cooks River Avenue. Head east. All right, so हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं. आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैं आया था इसको लेने के लिए, और अब जो है बस जाने का टाइम आ गया है. तो टाइम फ्लाइज, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह दोबारा इसको लेकर आएंगे, और दोबारा आएगा ये अम्मी अबू भी आएंगे इंशाल्लाह. तो बस ये है कि अभी फ़्लाइट में तकरीबन 2 घंटे हैं, हम लोग पहले पहुँच गए. देखेंगे कितना काम है यहाँ पर एयरपोर्ट पर. रात के 4 बज रहे हैं, तो इतना रश भी नहीं है. अच्छा, हमने जो है ना ऑनलाइन चेक इन कर लिया था, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, और आराम से टाइम पे पहुंच भी गए, और अब जाके बस बैगेज को ड्रॉप करेंगे. अच्छा, हम जो है इंटर हो रहे हैं लेवल 1 से. अच्छा, इस लेवल पर जो है सिर्फ अराइवल है, तो हमको लिफ्ट लेकर ऊपर जाना पड़ेगा. एक्चुअली सामने दिख रहा है वहाँ पे जो है सारे अराइवल्स, जो भी फ्लाइट्स आती हैं वो वहाँ पर, वहाँ से लोग निकलते हैं, लेकिन हमें जाना है ऊपर. सर देखें, इधर मेंशन किया हुआ है कि लेवल 2 पे डिपार्चर्स हैं, लेवल 1 पे अराइवल है. बस लिफ्ट लेके हम ऊपर जाएंगे. तो इस टाइम कोई इतनी फ्लाइट्स नहीं है डिपार्चर पे, सिर्फ और सिर्फ इमिरेट्स की फ़्लाइट पर रश है. देखें जी कितनी लंबी क्यू लगी हुई है इमिरेट्स के चेक इन पर. क्योंकि हमने ऑनलाइन ही चेक इन कर दिया था, तो हम डायरेक्टली जाके अपना बैगेज ड्रॉप करेंगे. भाई इसकी चेक इन हो चुकी है, और अब ये भाई जो है जा रहे हैं अंदर, तो इनसे लास्ट टाइम मुलाकात कर लेते हैं. ऑल राइट गाइस, हमने जो है भाई को जो है सी ऑफ कर दिया है, अब वो अंदर चला गया है, चेक इन हो गई है उसकी. कोई मसला तो नहीं हुआ, सामान वगैरह में सब कुछ सही था. तो बस अब ये इसकी फ़्लाइट अभी 2 घंटे में है, लेकिन ये कि हम जल्दी चेक इन कर लिया है, तो काफ़ी टाइम मिल गया.
गाइस, तो अब निकले हैं आप इस घर जाने के लिए। आपको देखें, ये आपको दिख रहा होगा कि रोड जो है ये M5 जो रोड है, ये मोटरवे सीधी मेरे घर की तरफ जाती है एयरपोर्ट से। तो ये बड़ी सहूलत हो जाती है कि आप ये मोटरवे पकड़ें और एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट घर भी, घर से आते हुए एयरपोर्ट आप 30 मिनट्स के अंदर अंदर पहुँच जाते हैं। ओके गाइस, सो मैंने भाई को ड्रॉप कर दिया है एयरपोर्ट पे, वो चला गया अंदर। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरा भाई क्यों ऑस्ट्रेलिया छोड़ के चला गया। तो आपसे शायद आपको पता नहीं है कि मेरा भाई जो है वो एज ए टूरिस्ट यहाँ पर आया था और वो टूरिस्ट वीज़े पे था। तो जिससे भी मैं मिला यहाँ पर, वो सब बड़े हैरान थे कि यार उसको इस एज में, एज ए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट एज पर उसे टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिल गया। क्योंकि आई थिंक 95% रिफ्यूज़ल रेट है टूरिस्ट वीज़े का। अगर आप स्टूडेंट हो और आप कहीं स्टूडेंट हो और आपको आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो, तो 95% गारंटी है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो उधर भी कितने बड़े बड़े लोगों ने अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, लेकिन सबको रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा मिलना आसान नहीं होता। वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान के या इंडिया के जो है हालात इतने अच्छे नहीं है कि वो यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आएंगे तो वो वापस जाएंगे। तो वो इसलिए जो मेक श्योर करते हैं कि भाई वीज़ा ना ही दें तो अच्छा है। बस जो 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 जैसे कि जो एज्ड पेरेंट्स होते हैं उनके लिए वीज़ा मिल जाता है उनको, लेकिन आपके कोई सिबलिंग हो गए या कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो उनको वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे भाई को वीज़ा मिला और वो यहाँ पर आया, तो ये एक तरह से उसकी गुड लक भी थी। लेकिन ये कि उससे मैंने मेक श्योर किया कि जो उसको वीज़ा मिला है, तो वो विद इन 3 मंथ्स का उसको वीज़ा मिला था, तो मैंने कहा उसको विद इन 3 मंथ्स वापस भेज दूँ, क्योंकि कोई फ्लैग, रेड फ्लैग ना लगे उसके प्रोफाइल के ऊपर। अब इंशाल्लाह ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम इसको मैं स्टूडेंट वीज़े पे बुलाऊंगा। स्टूडेंट वीज़े पे नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो जाके आईएलटीएस देगा और आईएलटीएस के बाद हम इसको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह वो फिर स्टूडेंट वीज़े पे आएगा। ऑलराइट गाइस, आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।